बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट हरियाणा सिंगर और डांसर सपना चौधरी के बारे में और ऐसी अनकही बातें जो उन्हें औरों से काफी अलग बनाती हैं। 12 साल की उम्र से परिवार का पेट पाल रही हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी 12 साल की उम्र से सिंगिंग डांसिंग के करियर में हैं। 12 साल की उम्र में सपना ने अपने पिता को खो दिया था, तब से परिवार की जिम्मेदारी इनके सिर पर आ गई और फिर अपने दम पर ही उन्होंने परिवार को पाला, बड़ी बहन की शादी की। पहले ही गाने ने सुपरहिट बना दिया था सपना चौधरी को, उनके पहले ही गाने ने सुपरहिट बना दिया था। इस गाने के बोल थे सॉलिड बॉडी। YouTube पर डालते ही यह गाना वायरल हो गया और इसने सपना को बना दिया लाखों लोगों के दिलों की धड़कन। फिल्मी हसीनाओं से एक अलग एक सेलिब्रिटी जिसके दीवाने हैं लोग, बॉलीवुड हसीनाओं के कार्यक्रमों में या उनको देखने के लिए लोगों को पागल होते कई बार देखा होगा, लेकिन सपना चौधरी सिर्फ एक गायिका हैं जो रागिनी सिंगर हैं और उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। लोग इन्हें सुनने देखने के लिए इतने पागल रहते कि लाठी चार्ज तक हो जाता है। हमेशा अकेली ही डांस करती हैं सपना चौधरी, अपने कार्यक्रमों में हमेशा अकेले ही डांस करती हैं, ना कोई टीम और न ही कोई को स्टार। अकेले परफॉर्मेंस के दम पर ही सपना ने अपनी एक पहचान बनाई और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। सपना चौधरी सलवार कमीज में परफॉर्म करती हैं। सपना चौधरी की सबसे खास बात यह है कि वे हमेशा सलवार कमीज में ही परफॉर्म करती हैं। आज तक हुए किसी भी कार्यक्रम में उन्हें इससे अलग ड्रेस में नहीं देखा गया। ये खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। सबसे पहले YouTube पर अपलोड करती हैं गाना सपना चौधरी। जब भी कोई गाना गाती हैं या परफॉर्म करती हैं तो उसे सबसे पहले YouTube पर अपलोड करती हैं। YouTube पर जाते ही यह वायरल हो जाता और सपना को मशहूर बनाने में इसका बड़ा हाथ है। FIR दर्ज हो चुकी है। सपना चौधरी के बारे में बता दें कि इनके खिलाफ एक रागिनी विवाद में FIR दर्ज हो चुकी है। हालांकि मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन विवाद अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद इनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। सुसाइड की कोशिश कर चुकी है रागिनी विवाद के चलते सपना चौधरी सुसाइड की कोशिश कर चुकी हैं। ICU तक पहुंच गई थी, लेकिन उनके चाहने वालों की दुआओं ने उन्हें बचा लिया। इस किस्से के बाद वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई कि आज वे बिग बॉस की कंटेस्टेंट हैं।